प्रकाश प्रकाशी माइक अनमुट कीजिए अपना कीजिए इशू आ रहा है आ, रितेश आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए हां बोलिए सर लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे हम लोग सर लास्ट क्लास में हमने आ, फर्स्ट कैंडल अह विक फॉर्मेशन वो देखा था सर नाम बताइए थ्री लाइन न्यू आ, आ, रेक्स लाइन रेक्स लाइन फॉर्मेशन बीयर लाइन का फॉर्मेशन आपने बताया था सर ओके ठीक है तो अरुण सिर्फ सुनिएगा आप जो भी बातें होती हैं देखिए रैक्स को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी रैक्स को आज की क्लास में लोग क्या करेंगे क्योंकि कल दूसरे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा एंड आज हम लोग क्या करते हैं हायर टाइम फ्रेम पर और लोअर टाइम फ्रेम पर इन दोनों को कैसे मर्ज करेंगे इस चीज को देखते हैं जैसे अभी अपना चार्ट चल रहा है एंड एट फिफ्टीन मार्केट ओपन हो चुकी है जैसे एप्पल का चार्ट ओपन करते हैं देखिए ये एक हमने रेंज मार्क कर ली यहाँ पर ये क्या है टेंथ ऑफ जनवरी का ये मेरा लो हमने मार्क किया है एंड अभी ये क्या कर रहा है प्राइस मेरा उस रेंज के पास में ही है ऊपर की जितनी भी रेंजेस हैं हमें सब जितनी भी है सारी की सारी हम डिलीट कर देते हैं अभी हमें प्राइस को रीड करना होगा है ना अभी हम प्राइस को रीड करने की कोशिश करेंगे यहां से वॉल्यूम्स को ऑफ कर लेते हैं देखिए प्राइस को जब भी आपको देखना हो हम उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दे कितना इजी बना दें ये हमारे ही हाथ में है अगर आपको प्राइस को कॉम्प्लिकेट करके पढ़ना है बहुत सारे मेथड्स हैं कॉम्प्लिकेशंस ही कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा प्राइस को अगर बहुत साफ सुथरे ढंग से क्लीन वे में सिर्फ रीड करना है और उसके ऊपर काम करना है तो उसके भी बहुत सारे मेथड है ऐसा नहीं है कि जब तक हम प्राइस को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे तब तक हम प्राइस को पढ़ ही नहीं पाएंगे ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है जितना सिंपल रखेंगे प्राइस उतना ही अच्छा मूव देगा भले ही आप चार पांच छह सात आठ नौ दस तरह के इंडिकेटर आप लगा लीजिए क्या ऐसा कोई इंडिकेटर है कि जिस इंडिकेटर को लगाने के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो और स्टॉप लॉस ना लगाओ ऐसा कोई सिस्टम होगा नहीं होगा कोई भी सिस्टम नहीं हो सकता ऐसा मतलब स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि कोई भी सिस्टम फिक्स नहीं वो कभी भी पलट जाएगा तो कॉम्प्लीकेशन करें complications करने के बाद में स्टॉप लॉस लगाना सही है या फिर इजी वे में रिलैक्स बैठे रहिए और स्टॉप लॉस लगा करके काम करिए ये सही मेरा मानना है आराम से जितना हो सके प्यार से बहुत सिंपल वे में हम लोग प्राइस को एनालाइज करेंगे जहां पर भी हो सकेगा जितना हो सकेगा सिंपल वे में एनालाइज करने के बाद स्टॉप लॉस लगाने के साथ साथ हम अंदर काम करेंगे अब जैसे ये रेंज हमने ड्रॉप कर दी आप लोगों का कल के लिए जो कल की मार्केट रहेगी उसके अंदर एक होमवर्क देंगे हम सभी लोगों के लिए वो आप लोगों को कंप्लीट करना होगा ये तो चलिए डेली टाइम फ्रेम है जब भी ये सपोर्ट लाइन आप देख रहे हैं क्या आपको लग रहा है कि ये जो सपोर्ट पॉइंट हमने मार्क कर दिया है ये अच्छा सा सपोर्ट रेंज हमको डिफाइन करके दे रहा है। अच्छी सपोर्ट रेंज का मतलब देखिए एक तो ये हो गया प्राइस इसके नीचे भी क्लोज कर रहा है ऊपर जा रहा है निकल गया फिर नीचे फिर ऊपर ऐसे है ना इस तरह से प्राइस जमाना चल रहा है एक तो ये तरीका हो गया कि आपने कोई एक ऐसी रेंज ड्रॉ कर ली है कि प्राइस जिसके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहा है कुछ फिक्स नहीं है आपकी जो रेंज है वो प्राइजेस के बीच से होकर के निकल रही है प्राइस एक्शन में परफेक्शंस या फिर जो सबसे अच्छा है आप प्राइजेस को परफेक्ट okay. ठीक है अब हम लोग जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन में कहा जाता है कि अगर आप प्राइस को टॉप से पकड़ते हो या फिर आप प्राइस को बिल्कुल बॉटम से पकड़ते हो तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहता है कॉम्प्लिकेशंस तब आ जाती है हमारे लिए कि जब हम प्राइजेस को हम बीच से रीड करने की कोशिश करने लगते हैं यहां से अब सवाल यह आता है कि बीच से अगर रीड कोई करता है तो बीच से क्यों रीड करने लगते हैं अगर सभी लोगों को मालूम है अगर सभी लोगों को मालूम है के प्राइस को इन बिटवीन अगर हम ट्रेड करें तो हमारा नुकसान होगा ये सभी लोगों को मालूम तो ऐसा क्यों करते हैं कि हमें आज टॉपिक डिस्कस करना होता है क्योंकि अगर आप ये बीच से प्राइस रीडिंग कर, नहीं कर रहे होते तो आज हम ये टॉपिक ही डिस्कस नहीं कर रहे होते फिर तो हमें मालूम होता ना कि आप यहां से ट्रेड करते हो फिर तो हम किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते ऐसा क्यों होता है जब हम इस सवाल के पीछे जा रहे हैं कि इन बिटवीन हम ट्रेड क्यों करते हैं फिर क्यों बनाने चले जाते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे नए नए टॉपिक्स निकल करके आते हैं जिसमें सबसे पहला होता है साइकोलॉजी अब साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है दूसरा पेशेंस ये साइकोलॉजी और पेशेंस पूरी मार्केट को रन कर रहे हैं यहां ना तो प्राइजेक्शन इतना चलता है ना ही फंडामेंटल इतना चलता है ना ही आपका स्टॉक सिलेक्शन इतना चलेगा ना ही किसी तरह का कोई मेथड इतना चलेगा जितना साइकोलॉजी और पेशेंस चलता है बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट हैं। इतना मान के चलिएगा कि अगर हम बोल रहे हैं आपसे पेशेंस तो पेशेंस किसी एक दिन का नाम नहीं है कि हमने बोल दिया पेशेंस तो आपने एक दिन बैठ एक दिन आप बैठ गए और उसी दिन बैठ करके अपनी रेंज पर प्राइस के आने का वेट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं पेशेंस से बैठा रहा पेशेंस कोई एक दिन का गेम नहीं है कि आप एक दिन पेशेंस से बैठे रहे और आपका काम हो गया पेशेंस की प्रैक्टिस सालों साल चलती है यहां पर क्या जरूरत पड़ती पेशेंस की प्राइस आपका मूव कर रहा है अब ये मान लीजिए प्राइस इस वक्त जो आपका मूव कर रहा है यहां कहीं मूव कर रहा है इस पॉइंट पर अब भाई प्राइस है मार्केट है अप डाउन अप डाउन हर सेकंड हर पल इसके अंदर होता रहेगा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे प्राइस चलता रहेगा चलेगा आपके अंदर पेशेंस नहीं है और पेशेंस के साथ-साथ एक सही लेवल सही रेंज को डिफाइन करने का को कोई मेथड आपके पास नहीं है तो आप क्या करते हो प्राइस चल तो रहा है ऊपर नीचे हो ही रहा है चलो ठीक है यहां से हम बाई करते हैं एक दो रुपए लेंगे निकल जाएंगे जैसे ही आप बाई करोगे प्राइस वहीं से बहुत ज्यादा बार होता है कि जहां से आप बाई करते हो वही एक टॉप बनता है वहीं से प्राइस नीचे चल, नीचे चलाता है या फिर इसके दूसरी दिशा में हम लोग सोचें तो वहीं से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ऐसा होता है अब जबकि प्राइस यहां पर ट्रेड कर रहा है इस वाली रेंज पर ट्रेड कर रहा है हमें क्या चाहिए कि हम पेशेंस के साथ वेट करें जो रेंज ऑलरेडी हम डिफाइंड करके बैठे हुए हैं इस वाली रेंज तक आ जाने का वेट करें यहां तक प्राइस को आने दें तब हम इसके अंदर काम करेंगे अब मेरे पास ये तो नॉलेज है कि प्राइस में जब तक प्राइस मेरा इस रेंज पर ना आए ये जो रेंज अपनी गायब हो गई भी इस रेंज पर जब तक ना है तब तक हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे लेकिन करते क्या है यानी कि प्राइस जिस रेंज पर इस वक्त है, जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, हम वहीं पर कोई ना कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस डिफाइन करके काम करने लगते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन करके भी आप कब काम करते दो जबकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है जानकारी होती है उसके तब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं उन्हें करेंट मार्केट प्राइस में ही घुसना है और करेंट मार्केट प्राइस में ही निकलना है और बाद में ब्लेम करना है मार्केट को तो अभी ये जो डिस्कशन हम हम लोग कर रहे हैं क्या इस से क्या इस चीज से आपको समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी एक रेंज आपको ड्रॉ करनी है आज से आप लोग ये सभी लोग ध्यान रखिएगा कोई भी एक रेंज आपको ड्रॉ कर लेनी है तो इन बिटवीन प्राइस को ट्रेड करने से रोक लेना है अपने आपको इन बिटवीन प्राइस को मत ट्रेड की जगह क्या ये ट्रेड करने की जगह नहीं होती इन बिटवीन हाँ होती है बट कोशिश करिए ना जाए हाई से या फिर लोज के पास से जब तक आप अपने अंदर एक्यूरेसी ना ले और ट्रेड एग्जीक्यूशन की तब तक आप इन बिटवीन ट्रेड नहीं करोगे मेरे बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं कि जब हम इन बिटवीन ट्रेड कर देते हैं इन बिटवीन भी ट्रेड करेंगे बट मेरी देखा देखी ये लोग बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप इन बिटवीन ट्रेड कर दो हम लोगों को जो सिखाया गया था हमारे सर ने कहा था कि अगर हमें आगे की तरफ बढ़ना है ना तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं पहले क्या करेंगे यहां तक पहुंचेंगे उसके बाद यहां तक पहुंचेंगे फिर यहां तक पहुंचेंगे फिर यहां तक पहुंचेंगे फिर यहां तक पहुंचेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे ऐसे ऐसे पहुंचना का को इस वाली रेंज जंप नहीं मार देंगे डायरेक्ट हम इन बिटवीन नहीं पहुंच जाएंगे काम करने के लिए हमें जो काम करना है हम सबसे पहले हाइज एंड लोस के पास से प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी जब यहां पर आप काम करने लग जाओगे ना आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप इन बिटवीन ट्रेड करने कब पहुंच गए इतना पेशेंस रखना होगा ये बिल्कुल भी मत करिएगा कि इन बिटवीन ट्रेड करने आप पहुंच गए और अपना लॉस सेट करवा करके आ रहे हैं या फिर इवन आप अपनी एनालिसिस भी गलत करके आ रहे हैं अगर इस रेंज पर तो प्राइस एनालाइज मत करिए क्योंकि एनालिसिस यहां से सही होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने चार्ट के ऊपर देखिए ये एक रेंज हमने ड्रॉ कर दी ये अपना एक सपोर्ट पॉइंट है ये एक सपोर्ट है यहां पर हम चले आते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, फाइव मिनट्स देखिए प्राइस ने क्या किया है ओके okay. अब देखिए ये मेरे कल के ट्रेडिंग सेशन के लोस हैं ये वाले है। मतलब स्विंग है लो मेरे कहां पर लगे हुए हैं ये वाला कल की सबसे लास्ट कैंडल आगे की क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि इंडियन मार्केट में जैसे ये तो चलिए एप्पल का चार्ट है इंडियन मार्केट के अंदर जो लास्ट वाली कैंडल है ना ये किस तरह से वर्क करती है जो सबसे लास्ट कैंडल बनती है और इसके साथ में जो सबसे पहली कैंडल बनी हमारी ये वाली ये किस तरह से वर्क करती है इसका डिस्कशन करेंगे अभी देखिए ये के कुछ स्विंग्स बने थे कल के और ये लो था हमारा आज देखिए प्राइस के अंदर क्या हुआ है वॉल्यूम देख रहे हैं आप ये कल के ट्रेडिंग सेशन की वॉल्यूम है, है ना एक हैवी वॉल्यूम के साथ प्राइस ने यहां पर ब्रेक किया था मतलब क्लोजिंग की थी आज क्या किया है उस रेंज के ऊपर प्राइस ने अपनी ओपनिंग दी है ओके okay. अभी ओपनिंग दे देने के बाद में ये कुछ स्विंग्स थे लोअर टाइम फ्रेम के ये मेरे रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं प्राइस मेरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ सस्टेन कर रहा है इस वक्त यहां से क्या हो सकता है अब देखिए एप्पल के अंदर वापस हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर ये कुछ सपोर्ट्स थे इन सपोर्ट्स को प्राइस ब्रेक करके नीचे की दिशा में घूम रहा है यहां पर वापस से ऐसा क्या हुआ है कि प्राइस हमारा फिर से अपने सपोर्ट में ही चला गया है मतलब जिस रेंज को प्राइस ब्रेक करके नीचे की दिशा तक आया था अभी प्राइस उस रेंज के अंदर ही ट्रेवल कर रहे हैं अगर ये वीक था तो ये नीचे गिर जाता ना अब ये वापस अपने सपोर्ट्स के ऊपर क्या करने चला गया मे बी एप्पल का चार्ट आज क्लोज होते होते जैसे ये क्लास खत्म हो जाए आप लोग तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा ट्रेडिंग में कर चार्ट ओपन कर लीजिएगा आज बहुत ज्यादा चांस है कि एप्पल क्लोज होते होते एक ग्रीन फॉर्मेट में क्लोज हो मतलब एक पॉजिटिव साइन एक बायर्स की कैंडल आपको यहां पर देख सकती है बुल्स की कैंडल अच्छा कहां तक बुलिशनेस इसके अंदर हमें शो हो सकती है ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना 18th ऑफ जनवरी की एग्जैक्ट लो नहीं थोड़ा सा बफर दे दीजिए इसके अंदर ये कुछ पॉइंट है बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस अपना इस वाली रेंज को टच करने की कोशिश कर सकता है अब देखिए कुछ एक चीज और लोअर टाइम फ्रेम पर हम गए लोअर टाइम फ्रेम पर आकर के जिस भी दिन आपको ट्रेड करना है मतलब ये स्ट्रेंथ शो करती है मार्केट की जिस भी दिन आपको शो ट्रेड एग्जीक्यूट करना है उस दिन पर्टिकुलर उस स्टॉक की एक वॉल्यूम का स्ट्रक्चर होता है आगे की क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि वॉल्यूम्स के उन स्ट्रक्चर्स को कैसे देखते हैं अच्छा बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जिनको कि हम फोन कॉल के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे ना तो क्लास में करेंगे ना ही प्राइवेट में करेंगे सॉरी <coughs> कुछ पॉइंट्स होंगे जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे जिसमें से एक पॉइंट ये रहेगा वॉल्यूम्स का एक स्ट्रक्चर होगा जिसको कि हम सिर्फ और सिर्फ जब जिस भी दिन हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है स्टॉक के अंदर हमें देखना होगा उसे अभी के लिए आप लोग सिर्फ एक काम करिएगा जैसे डेली टेंपशन का चार्ट है ना आप लोग आवरली पर एक चार्ट ओपन करिएगा आवरली टेंपशन पर इसके अंदर सिंपली जो अभी हमने आपको बताया है, कि एक साफ सुथरा सपोर्ट और एक साफ सुथरा रेजिस्टेंस हमें डिफाइन करके दीजिएगा साफ सुथरा सपोर्ट का मतलब ये सपोर्ट ये सपोर्ट हो गया मेरा ये ऐसे चार्ट्स आपको हमें मार्क करके देने हैं जो कि एग्जैक्ट आपकी लाइन पर ही सपोर्ट ले रहे हैं यहीं से ये यह ऊपर भी जा रहा होगा और वापस से प्राइस गिरते 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 आपके उसी सपोर्ट पर आ रहा है फिर से यहां से ये यह ऊपर जा रहा है ऐसे चार्ट्स आपको फाइंड करने हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के टोटल स्टॉक्स को आप मिला दो तो आपके पास टू हंड्रेड प्लस स्टॉक्स आएंगे ढाई सौ के करीब ढाई सौ में से आपको दस से पंद्रह स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ कौन सा रखना है वन आवर का इसके अलावा और कोई टाइम फ्रेम यूज मत करिएगा सिर्फ और सिर्फ अभी वन आवर का टाइम फ्रेम निकालिए और जो स्ट्रक्चर इस वक्त हमने चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया है वैसा स्ट्रक्चर हमें फाइंड करके दीजिए कल तक सभी लोगों के पास से हमको पांच पांच स्टॉक्स मिलने चाहिए अब देखिए कुछ एक स्टॉक्स हम ढूंढेंगे अगर हमको मिलते हैं एज एग्जाम्पल तो हम आपको दिखाएंगे कुछ स्टॉक बिकॉज फाइंड करने में अगर हम कुछ स्टॉक्स फाइंड करने जाते हैं तो बहुत सारा टाइम अपना किल होता है फाइंड करने का प्रोसेस रहेगा जल्दी से देखते हैं किसी भी अगर स्टॉक में अच्छा हमको सपोर्ट मिल जाता है तो वो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं उसका ये भी नहीं हम्म ये भी नहीं देखने से ही लग जाएगा हाँ ये बन सकता है ओके नहीं बायोकॉन भी नहीं बायोकॉन में अगर हम देख रहे हैं तो मेरा जो सपोर्ट बन रहा है ना वो ये वाली रेंज बन रही है ये वाला जो पॉइंट बना है अभी ज्यादा हम लोग उसको फाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे जस्ट यहां पर हम लोग एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये आपके सपोर्ट पॉइंट बने हैं इन्हीं सपोर्ट को आपको मार्क करना है इसके अलावा क्या कुछ भी नहीं करना होगा सिर्फ ये सपोर्ट्स मार्क करिए आप नेकेड आई से देखना है ही यहाँ पर किसी भी तरह का कोई टेक्निकल एनालिसिस आपको करनी है किसी तरह का कोई स्टॉक सिलेक्शन नहीं कुछ नहीं नेकेड आई से जितने भी स्टॉक्स है सभी में आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है इस तरह का एक सपोर्ट अच्छा इससे फायदा क्या होगा जब आप ऐसे सपोर्ट्स फाइंड करोगे ना और जब ये सपोर्ट्स अपना वर्क करते हैं बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पर प्राइस के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे जितनी ज्यादा बार प्राइस यहाँ पर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस जाता है तो बहुत अच्छा मूव देखेंगे और यहीं से अब भी होता है बायोकॉन में देखिए जहां पर प्राइस हमारा है इस वक्त वहां पर कोई सपोर्ट नहीं है लेकिन ये एक सपोर्ट है ना इस तरह के सपोर्ट हमको चाहिए और सेम इसी तरह की रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलेंगे जरूरी नहीं है कि जहां पर हमारा प्राइस इस वक्त है हमें उसके पास ही चाहिए आहा, आप प्राइस को आउट कीजिए बायोकॉम में जैसे हमने मार्क करके दिया है वैसे ही आपको सपोर्ट फाइंड करने हैं लीजिए ये रेंज मेरी मार्क हो गई यहां पर अब हम जो आपसे बोलते हैं ना कि हम इसको काफी दिन से वॉच कर रहे थे काफी दिन से देख रहे थे ये ट्रेड मेरी रेंज में आएगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे ये इस तरह से रेंजेस डिफाइंड होती है अब ये रेंज हम देखेंगे जिस भी दिन हमको प्राइस इसके नीचे शॉर्ट करने का मौका देता है बायोकॉन में एक आपको ट्रेड हम करके दिखाएंगे अगर मार्केट हमारे साइड में हुई बायोकॉन ने भी ब, एक परफेक्शन के साथ हमको एंट्री दी तो इसके अंदर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे सेम लेवल तब तक के लिए आपका काम होगा कि इस तरह के स्टॉक्स हमें कल तक आप 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 लोग लोग दोगे 200 में से से आपको कम कम पांच स्टॉक्स ऐसे निकालने हैं जिसमें कि आप लोगों आप लोग को को ये वाले देखने को मिले ओके okay, की प्रैक्टिस आज जो चीज हमने बताई है किसी कि तरह का सपोर्ट्स आप ड्रॉ कीजिए और हमें कल की क्लास ज्वाइन करने से पहले पहले वो सारे के सारे स्क्रीन शेयर कर दीजिए है ना एकदम साफ सुथरे सपोर्ट इस तरह के इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल बेसिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी धीरे धीरे करके आपकी क्लासेस ऐसे ही स्टार्ट होंगी ओके तो क्लास आज के हम लोग यहीं पर क्लोज कर रहे हैं अगर कुछ क्वेश्चन है आपके कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पुटअप कर सकते हैं आप लोग रेस कर सकते हैं अपने अगर कुछ क्वेश्चन है तो सर हेलो जी सर बोलिए सर आपने को पिछली बार बताया था वो वन डे की कैंडल पे वो स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करने का ठीक है तो सर उसमें तो सर इतने सारे स्विंग और हाई और इतने सारे स्विंग लो आते हैं कि लाइने ही बन जाती पूरे चार्ट में सही तो सर उसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्या बोलते हैं स्ट्रांग सपोर्ट और डिस्टेंस मिल जाए डेली टाइम फ्रेम पर मतलब

इन लाइन्स का यूज आपको दिखेगा कि, कि, कि किस तरह से इन लाइंस का यूज करना है और कब किस लाइन का यूज करना है यहाँ पर भी देखिए आपको बहुत बोलिए हाँ सर बोलिए बोलिए आप यहाँ पर भी देखिए आपको बहुत सारी लाइंस अगर हम ड्रॉ करेंगे ना तो बहुत सारी लाइंस आपको देखने को हम्म है ना अब किस लाइन को लेना होगा हम्म ये काम जब हम डेली टाइम फ्रेम पर करते हैं तो टाइम फ्रेम की वजह से वहां पर मेथड कुछ चेंज होते हैं लेकिन जब हम वन आवर की बात कर रहे हैं वन आवर में प्राइस को देख रहे हैं नहीं। तो नहीं। इस तरह की ही रेंजेस मार्क करनी होगी यानी कि लोवेस्ट लो जो स्ट्रक्चर अपना ये वाला होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर इस होगा इसमें लोवेस्ट लो या फिर हाईएस्ट हाई ये वाले सर ठीक है ना क्योंकि यही सबसे सेफेस्ट बिल्कुल सर

ओके okay. हाँ. और सर एक क्वेश्चन सर जो आपने तीन चार फॉर्मेशन बताया सर ये मैं जब फाइव मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो ये बहुत सारा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहा है सिर्फ एक टाइम में एक फॉर्मेशन एक टाइम पे एक ही फॉर्मेशन जी हाँ बस ओके थैंक यू सर चलिए ठीक है थैंक यू सभी लोगों को हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं और जो भी डिस्कशन है हम लोग कल के दिन करेंगे अपना सो थैंक यू गुड बाय और गुड नाइट सभी लोगों को कल के दिन हम लोग मिलते हैं ये वाला होमवर्क सभी लोग कंप्लीट कर दीजिएगा कल चार्ट्स वगैरह सबमिट कीजिए कल मिलते हैं हम लोग